जिन लोगों को 25-25 साल हुए हैं सर्विस अंजाम देते हुए, और जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी सरकारें भी इग्नोर की, और उन लोगों को ऊपर वाले ने सजा दी है। अल्लाह ताला भगवान अगर इंसान को इख्तदार की कुर्सी पर बैठाता है तो वो देखता है कि मेरे इंसान के साथ जस्टिस और इनजस्टिस देखना है। जब जस्टिस और इनजस्टिस नहीं देखा जाएगा, ऊपर वाले की तरफ से, खुदा और भगवान की तरफ से सवाल आता है, उनका आशय देख लीजिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ इसके साथ अगर यहाँ आपने जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया है तो दिल्ली के अंदर या चाहे स्टेट हैं या यूटी हैं, 18,000 मिनिमम वेजेस एक्ट दिया जाता है। जम्मू कश्मीर का जो टेम्परेरी वर्कर है सिर्फ 750 रुपया दिया जाता है। क्या लगता है आपको, जिस तरह से यहाँ पर ऑर्डर इम्प्लीमेंट किया जाता है लेकिन थोड़ी देर के बाद जब प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है इसको वापस लिया जाता है? देखिए बात यह है कि यहाँ वो हर 15 दिन के अंदर कोई ना कोई मुलाजमों के ऊपर, खास करके मैं बात करूँ, कोई ना कोई चीज़ थापी जाती है 22 से 48, जो किसी स्टेट में नहीं है ना किसी यूटी में है। तो जम्मू कश्मीर के मुलाजमों के साथ क्यों है 22 और 48? हमने किसी करप्ट मुलाजम की सपोर्ट नहीं की है। वो बहुत सारी एजेंसियाँ बैठी हुई हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर कोई उसमें पाया जाता है तो हम उस करप्ट बंदे की सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन दयानतदारी और ईमानदारी के साथ अगर हमारा मुलाजम काम करता है तो 22 और 48 ऐसे रूल क्यों लगाए जाते हैं? इसके साथ मेडिकल लाउंसेज की बात करें, जो 1,000 रुपया जो दिया जाता है दिल्ली की जो यूटी है या स्टेट है, तो जम्मू कश्मीर के मुलाजम को सिर्फ 300 रुपया दिया जाता है। क्यों? ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? हम कहते हैं 1,000 रुपया होना चाहिए। 18 महीने का जो डीए सरकार ने फ्रीज करके रखा है, हम सरकार से ये डिमांड करते हैं कि इमीडिएटली उस डीए को रिलीज किया जाए। और इसके साथ मैं ये डिमांड करता हूँ क्लरिकल की पे अनोमली जो है वो दूर की जाए, 2 इंक्रीमेंट जो सरकार ने बंद की हैं उनको रिस्टोर किया जाए। ये जितने मुद्दे हैं ये जेन्युइन एंड जस्टिफाइड मुद्दे हैं। जिस प्रकार का यहाँ पर दरबार में बंद किया गया था, फिर एक बार आप जम्मू में फिर शुरू हो रहा है, क्या लगता है कि एम्प्लॉइज के लिए एक मजाक किया जा रहा है? देखिए मैं ये बात बताऊं, यहाँ पॉलिटिकल लोग भी बैठे हुए हैं, आपने देख लीजिए, एक दिन वो एक पार्टी में होते हैं, जब वो इख्तदार में नहीं रहती दूसरी पार्टी में, तीसरी पार्टी में। हमने मुलाजमों के इशू को मुलाजम चार्टर ऑफ डिमांड करना है। मैं ये कहना चाहता हूँ ये गलत चीज़ है। अगर दरबार मूव चल रहा था वो ठीक था, लेकिन आज सरकार जो ऐसे रूल हर 15 दिन के दिन बाद कोई ना कोई रूल जो है मुलाजमों पर लागू किए गए हैं, जिन्होंने इन लोगों यहाँ लूटा है उनको क्यों नहीं पूछा जाता? जम्मू कश्मीर के मुलाजम सिर्फ हैं, इनको टारगेट मिला हुआ है। जब हमारा मुलाजम यहाँ दयानतदारी और ईमानदारी के साथ काम करता है तो ऐसे रूल क्यों लागू किए जाते हैं? पूरी नहीं की जाएंगी तो आगे का आपका क्या होगा? तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से और जम्मू कश्मीर के जो हेड हैं मनोज सिन्हा साहब से भी अपील करता हूं कि इमीडिएटली जो है ये इशू रिजॉल्व किए जाएं। आज हमारा प्रोग्राम जो है कश्मीर प्रेस क्लब में भी हमारा प्रोटेस्ट इस वक्त चल रहा है और जम्मू के अंदर भी जो प्रोटेस्ट चल रहा है, अगर सरकार इन इशू को सेटल नहीं करती आने वाले दौर में भी बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी रिस्पांसिबिलिटी यहाँ जम्मू कश्मीर की यूटी की सरकार की होगी, ना के मुलाजम के। शुक्रिया। तो आपने देखा सीधे तौर पे इन्होंने ये जो बात कही है, इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन की बात कही है। एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि जम्मू कश्मीर में डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया, से जो बाकी स्टेट में या यूटी में 1,000 रुपया है वही मेडिकल अलाउंसेज जम्मू कश्मीर के अंदर मात्र 300 रुपया है। वही उन्होंने कहा कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो बाकी यूटीज में 18,000 रुपया पर मंथ है, वही मिनिमम वेजेस जो है वो यहाँ के जो डेली वेजर है उसको 6,750 मिल रहा है। इन सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने जो है मांग रखी, अपनी जेन्युइन डिमांड रखी। हालांकि जब हमने इनसे सवाल किया था कि क्या आपको सरकार से डर नहीं लगता कि जिस तरीके से आप सरकारी मुलाजमत होने के बावजूद इस तरीके से बयानबाजी करते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे हमें ये कहा कि उनको डर नहीं लगता क्योंकि वो अपने हक की मांग कर रहे हैं और इसी हक को लेकर वो आज धरना प्रदर्शन पे हैं। ये प्रोटेस्ट जो है जम्मू प्रेस क्लब के बाहर हो रहा है और इन्होंने हमें जानकारी दी कि मुलाजमत जो है श्रीनगर के अंदर भी प्रेस क्लब के बाहर जो है वो आज धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। डिमांड उनकी एक ही है कि जो भी जो इनके ड्यूज हैं, डीए है, जो भी इनका मिनिमम वेजेस एक्ट है वो लागू किए जाए, रेगुलराइज किया जाए और उन्हीं सारी चीजों को लेकर उन्होंने यहाँ पे आज जो है धरना प्रदर्शन रखा। सीधी तस्वीर आपके सामने प्रेस क्लब के बाहर से, जहाँ पे अभी ये सारी थी लेकिन
युवा भी प्रोटेस्ट पे हैं और यहाँ मुलाजमात भी प्रोटेस्ट पे हैं। मुलाजमात जो है सरकार का कंधा होते हैं, कंधे के साथ कंधा मिला के चलते हैं, सरकार की कार्य प्रणाली में जो है वो भागीदारी करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब कंधे से कंधा मिलाने वाला